क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन या अवसाद कब होता है? आइए समझें कि डिप्रेशन क्या है। अलग अलग लोगों के लिए डिप्रेशन शब्द का अलग अलग मतलब हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है उदासी, जो कि एक सामान्य अनुभव है जो हम सब कभी ना कभी अनुभव करते हैं, जैसे जब हम हताश होते हैं या परेशान होते हैं और कुछ घंटों या दिनों में इससे बाहर निकल आते हैं एवं सामान्य जीवन से वापस जुड़ जाते हैं। इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, रोमेश की माँ का निधन अचानक से हो गया और कुछ हफ्तों के लिए वह बहुत दुखी हो गया। उसे शून्यता का एहसास होता और अक्सर ऐसा लगता कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। पर कुछ हफ्तों बाद वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी से जुड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि वह अपनी माँ को भूल गया, पर उनको खोने की तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ समय के बाद उसने अपना काम वापस शुरू किया और अपनी बीवी और बच्चों के साथ सामान्य समय बिताना शुरू हो गया। कभी कभी उदासी एक सोचने का तरीका बन जाती है। कुछ लोग हर परिस्थिति में नेगेटिव ही दिखते हैं। वह अपने बारे में भी नकारात्मक सोचते रहते हैं, दुनिया के बारे में भी नेगेटिव विचार रखते हैं और भविष्य भी उन्हें नेगेटिव या नकारात्मक दिखता है। वह अपनी सफलताओं को पहचान नहीं पाते और कमियों या असफलताओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। उदाहरण के लिए, अंकिता अपने जीवन से पिछले 2 सालों से असंतुष्ट है। यह अनुभव काम पर एक तनावपूर्ण समय के बाद शुरू हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि नौकरी में जो काम वो पहले कर पाती थी, अब वह नहीं कर पाती है या नहीं कर पाएगी। अक्सर वह लोगों से आश्वासन मांगती कि क्या वह काम करने की सक्षमता भी रखती है। उसे ऐसा लगने लगा कि दफ्तर में लोग ये समझने लगेंगे कि वह असक्षम है और धीरे धीरे वह सहकर्मियों से बचने लगी। वो खुद की आलोचना करने लगी और हर छोटी गलती पर खुद को जिम्मेदार समझने लगी। घर पर बच्चों के साथ उसका चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया। दूसरी तरफ दफ्तर में लोग उसे एक मेहनत करने वाली कार्यकर्ता मानते थे, परंतु जिसे अपने ऊपर विश्वास कम था और अपने आप में ही रहती थी। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए उदासी का अनुभव बहुत गंभीर होता है, उनके सामान्य जीवन को रोक देता है। जैसे इस केस में राधा का पालन पोषण उसके ननिहाल में हुआ, क्योंकि उसके माता पिता बीमारी के कारण बहुत जल्दी गुजर गए। राधा को अपने ही ननिहाल में उपेक्षा और घर वालों पर एक बोझ सा होने लगा। किसी तरह पढ़ लिख कर और रात दिन काम कर उसने MA की पढ़ाई की। उसकी बिना सलाह लिए शादी कर दी गई। ससुराल में रमेश सरल स्वभाव के तो मिले, पर रोजाना के लिए वह अपने पिता पर आश्रित थे। राधा और अधिक दबाव में रहने लगी। धीरे धीरे वह अपने आप में रहने लगी। हंसना कम हो गया। वो बात बात पर रो पड़ती। वह निराशा से भर गई और भविष्य अंधकार में दिखने लगा। रमेश ने बहुत समझाया कि वह दोनों पढ़े लिखे हैं और कुछ कर लेंगे, पर राधा को कोई रास्ता समझ में न आता। कई महीने तक ऐसे चलता रहा और उसका डिप्रेशन बढ़ता गया। एक और व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। नितिन एक सफल व्यापारी है, भरा पूरा परिवार है, पत्नी और बच्चे हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, विदेश में शिक्षा भी प्राप्त की है। कुछ समय से नितिन का रुझान अपने काम से हटने लगा। कहते बस मन नहीं लगता है किसी चीज में। फिर लोगों से मेल जोल कम होने लगा। पत्नी को लगा कुछ व्यापार में समस्या होगी, पर वहाँ सब बढ़िया था। फिर वह बात बात पर चिढ़ने लगे और आसानी से रो देते। यह सब उसके स्वभाव के विपरीत था। कुछ दिनों के बाद वह अक्सर कहने लगे
कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा है, सब खत्म हो जाए तो ही ठीक है। उन्होंने बिस्तर से उठना, नहाना धोना भी बंद कर दिया। लाइट बंद करके घंटों लेटे रहते। घर वाले हैरान परेशान कि सब कुछ ठीक होने पर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं नितिन। इस तरह के अनुभव को डिप्रेशन या अवसाद कहते हैं। इस तरह का डिप्रेशन एक बीमारी है और इसका इलाज अनिवार्य है। डिप्रेशन को कैसे पहचाने? आमतौर पर अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे जो अब हम आपको बता रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाएं कि व्यक्ति को डॉक्टर के परामर्श की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं ऐसे लक्षणों को। निरंतर उदासी बनी रहे या चिड़चिड़ापन रहे। जिन चीजों को करने से हमें पहले खुशी मिलती थी, उन्हें करने से अब खुशी नहीं मिलती और दूसरों से मेल जोल का मन कम करता है। थकान का अनुभव बिना कोई काम किए या बिना किसी शारीरिक कारण के। आत्मविश्वास कम या लगभग खत्म हो जाना। असहाय महसूस करना, जीवन व्यर्थ लगना, भविष्य के लिए कोई आशा नहीं दिखना। नींद में दिक्कत आना, या तो नींद ना आना या सुबह जल्दी उठ जाना। भूख कम लगना, वजन कम होना या बढ़ जाना। अत्यधिक उदासी में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। ऐसा अगर 2 से 4 हफ्ते या उससे अधिक समय से चल रहा है, तो व्यक्ति को सहायता और परामर्श की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। यह अक्सर पूछा जाता है कि डिप्रेशन होता क्यों है, कारण क्या होते हैं डिप्रेशन के। आमतौर पर डिप्रेशन का कोई एक ही कारण नहीं होता है। अलग अलग लोगों में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी दुखद घटना के बाद दुखी होना सामान्य है, किंतु हम समय के साथ उस भावना से उबर जाते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं गंभीर डिप्रेशन की वजह से बन जाती हैं, जिससे निकलना मुश्किल होता है। जीवन के हालात भी अनेक बार तनावपूर्ण होते हैं। यदि हम अकेले हैं, दोस्त नहीं बना पा रहे हैं या हमारे जीवन में और परेशानियां हैं, तो भी हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। प्रसव यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद का समय भी ऐसा हो सकता है जिसमें माँ डिप्रेशन में जा सकती है। 10% महिलाएं इससे पीड़ित हो जाती हैं। लंबी चलने वाली शारीरिक बीमारी भी डिप्रेशन का कारण बन जाती है, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, दिल का दौरा आदि। व्यक्तित्व की प्रवृत्ति भी डिप्रेशन की बीमारी में एक अहम भूमिका निभाती है। शरीर के केमिकल या फिर कुछ बचपन के अनुभव भी इसके कारण हो सकते हैं। अनेक बार ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी कारण नहीं होता है, फिर भी डिप्रेशन हमें जकड़ लेता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार डिप्रेशन का एक कारण दिमाग में हो रहे केमिकल के बदलाव या फिर किसी केमिकल की कमी हो सकती है। ये असंतुलन हम में से किसी को भी हो सकता है। आमतौर पर परिवार में अगर किसी को डिप्रेशन पहले भी रहा हो, तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इलाज आवश्यक है। आइए अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होने के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन की बीमारी है, तो आपका यह जानना जरूरी है कि इस बीमारी का इलाज संभव और आसान है। अधिकतर लोग दवा और मनोवैज्ञानिक उपचार से ठीक हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इलाज में सबसे अधिक प्रभावकारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी मानी गई है। इसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक या नेगेटिव सोच से जुड़े विचार, भावना और व्यवहार पहचानना सीखते हैं और फिर अपने विचारों को चुनौती देने के तरीके सीखते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच को कैसे मैनेज करें, उसके तरीके
रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लगते हैं और उनके व्यवहार में बदलाव और उदासी की भावनाओं में भी कमी आने लगती है। परिवार की अपनी अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार का सहयोग व्यक्ति के उपचार में और जीवन से दोबारा जुड़ने में बहुत लाभकारी होता है। इसलिए दवा, मनोवैज्ञानिक उपचार और पारिवारिक सहयोग के संयोजन की सलाह दी जाती है। अपने किसी नजदीकी मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक से मिले और ट्रीटमेंट की सलाह ले। सरकारी अस्पताल में भी आम तौर पर मनोचिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। दवाई का असर आने में 6 से 7 हफ्ते लगते हैं। संयम बनाए रखें। अब हम आपको बताएंगे कि परिवार क्या कर सकता है। अगर आप अपने प्रियजनों में उदासी के लक्षण देखते हैं, तो सबसे अधिक जरूरी है कि आप स्वयं समझें कि इसका इलाज संभव है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप सहायता या मदद का प्रस्ताव दें, आदेश ना दें, पेशकश करें, उन्हें समझाएं कि सहायता लेना या उसके लिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। डिप्रेशन एक हताश कर देने वाली बीमारी है। ऐसे समय में व्यक्ति को परिवार सहारा दे, उसे अकेला ना छोड़े। दवा का समय बांध ले और ध्यान रखें कि दवा सही समय पर दी जाए। स्वास्थ्य लाभ धीरे धीरे होता है, इलाज बीच में न छोड़ें। बीमारी के लिए डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति को दोष ना दे, न ही एक दूसरे को दोष दे। व्यक्ति की आलोचना न करें, तुलना भी न करें। नियमित आहार और हल्का फुल्का व्यायाम भी लाभ देते हैं। व्यक्ति को तनाव कम करने की गतिविधियों से धीरे धीरे जोड़ें। मन की चिंताओं को अगर वह परिजनों से बांटे, तो घर आए हर व्यक्ति से उसका जिक्र न करें। यह आपके और आपके परिवार के लिए मुश्किल समय है। एक दूसरे का ध्यान रखें। धन्यवाद।